विष्णुपुरी एक पवित्र धरती पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर घुमा हूं, कई प्रदेशों में गया, हर जगह पे अलग अलग भाषा, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खान पान सब बदलता रहता है। कोई इडली खिलाता है, कोई मिष्टी दही खिलाता है, कोई पराठा खिलाता है, कोई दही चावल खिलाता है, भोजन भी बदल जाता है, मगर नारा पूरे देश में एक ही रहता है, मोदी 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 मोदी। ये मोदी मोदी का नारा पूरे देश में सुनाई पड़ता है। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि मोदी मोदी का नारा जो लगता है ना, वो एक चुनावी नारा नहीं, इस 125 करोड़ भारतीयों के मन से निकला हुआ अंतर का आशीर्वाद है। अंतर का आशीर्वाद 125 करोड़ लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए ये मोदी मोदी का नारा अंतर। मित्रों पूरे देश में चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। मोदी जी ने 7 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, 8 करोड़ घरों में शौचालय बनाया है, 2 करोड़ गरीबों को घर दिया है, 2.5 करोड़ गरीबों को घर में बिजली देने का काम किया है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना की। देश भर में ये विकास के गरीब के लिए चुनाव लड़ा जाता है, मगर बंगाल में ये चुनाव लोकतंत्र को फिर से मजबूत करने के लिए लड़ा जा रहा है। तो लोकतंत्र को मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां पर पंचायत के चुनाव हुए, आप अपना वोट डाल पाए थे क्या? जोर से बोलो, डाल पाए थे क्या? डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था? अगर आपको वोट डालने नहीं दिया, पूरे बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव के अंदर 60 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। इस तरह से लोकतंत्र चलता है क्या, बताइए मुझे? आपको गुंडे वोट करने नहीं देने लिए थे, मगर वो पंचायत चुनाव था, ये लोकसभा चुनाव है, गुंडों से डरिए मत। सीआरपीएफ चुनाव आयोग ने भेजी है, पूरा गांव इकट्ठा कर वोट करने जाए, गुंडों को भगाने का काम गांव के लोगों ने करना है। विष्णुपुर वालों करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे क्या? मित्रों यहां बंगाल में दुर्गा पूजा की परमिशन नहीं, मुझे बताओ बंगाल में दुर्गा पूजा की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बंगाल के अंदर सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप जय श्री राम बोलना चाहते हो या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते? तो ममता दीदी तो गाड़ी रोक कर कहती है, जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल दूंगी। मैं ममता दीदी को चेताने आया हूं, ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, ये पश्चिम बंगाल है, पाकिस्तान नहीं है, यहां जय श्री राम बोलना है, आप नहीं रोक सकती हो। मैं आज आया हूं यहां पर, मैं बुलाता हूं जय श्री राम। ममता दीदी मुझे अरेस्ट कर सकती हो तो कर देना, मेरे साथ
दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बीजिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब ममता गिरी, मैं यहां से कलकत्ते जा रहा हूं, हिम्मत है तो मुझे जेल में डाल कर दिखाओ, हिम्मत है तो जेल। ये बंगाल के अंदर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा और रामनवमी का जुलूस शान के साथ निकलेगा, मित्रों शान के साथ निकलेगा। ममता दिल्ली की औकात नहीं है इसको रोकने। आप एक बार सिर्फ मोदी सरकार नहीं, बंगाल के अंदर 23 सीटों पर कमल खिला दीजिए, कमल खिला दीजिए इस बार। मित्रों मुझे बताओ, इस बंगाल में से घुसपैठियों को भगाना चाहिए या नहीं भगाना? जोर से बोलो, भगाना चाहिए या नहीं भगाना? घुसपैठियों को तो जरूर भगाएंगे, मगर उसके पहले जो बंगाल से शरणार्थी आए, हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन शरणार्थी आए हैं, वो सारों को भारत की नागरिकता देने का काम हम करने वाले हैं। ये हमारे लोग वहां से संतरास से यहां मोदी जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं लोकसभा में, वो बिल के अंदर शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात है। पहले हम शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, बाद में चुन चुन कर सिर्फ बंगाल से नहीं, कलकत्ता से कच्छ तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश से चुन चुन कर घुसपैठियों को भगाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों अभी अभी मैंने देखा ये ममता दीदी मोदी जी के लिए अपशब्द बोल रही, राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी मोदी जी के लिए अपशब्द बोल रही है। अभी अभी प्रियंका वाड्रा ने कहा, अभी अभी प्रियंका वाड्रा ने कहा हरियाणा में अंबाला में कि मोदी जी दुर्योधन। प्रियंका जी, ये लोकतंत्र है, आपके कहने से कोई दुर्योधन नहीं बन जाता। 23 तारीख की मतगणना बता देगी दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है, वो 23 तारीख की मतगणना। ठीक है, ये राजबब्बर मोदी जी की माता जी के लिए अब शब्द बोलता है, राहुल गांधी मोदी जी के लिए अब शब्द बोलते हैं, संजय निरुपम मोदी जी को आतंकवादी कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, पवन खेड़ा ओसामा बिन लादेन के साथ कंपेरिजन करते हैं, विद्या शांति आतंकवादी कहते हैं। मुझे बताओ मोदी जी का अपमान आप सहन करोगे क्या? करोगे क्या? उनको लगता है कि हम लोग गांव 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 करेंगे और भाजपा वाले घर जाएंगे। अरे मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि राजीव गांधी के समय में बफर्स का खतरा हुआ था, राजीव गांधी के समय में ही ढेर सारे करप्शन हुए, राजीव गांधी के समय में ही शांति समझौते में श्रीलंका में अपने जवान मारे गए। मित्रों ये भ्रष्टाचार राजीव गांधी के समय में हुआ या नहीं हुआ? जोर से बताओ, हुआ या नहीं हुआ? अब इनको भूला लग जा रहा है। कहते हैं देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का अपमान किया, आपने मोदी जी को 51 बार गाली दी है, 51 बार
दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री का आप अपमान कर रहे हो, इसका कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और हमने कहा अपमान किया, भोपाल गैस कांड हुआ, उसके दोषियों को राजीव गांधी ने उठा दिया। वो बोर्स का कपड़ा हुआ, राजीव गांधी के समय में हुआ। जो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले समझते हैं कि मोदी जी को गाली देंगे और सफल होंगे। कांग्रेस वालों, ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, जितनी गाली मोदी जी को देंगे जनता उतना प्यार करेगी नरेंद्र मोदी को, जनता उतना प्यार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की 23 सीटें बंगाल में लाने के लिए आप लोगों ने संपर्क किया, संकल्प किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। कांग्रेस की सरकार थी, टीएमसी उस सरकार का समर्थन करती थी। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने बंगाल के लिए 1,32,000 करोड़ सिर्फ दिया। मैं फिर से बोलता हूं, 1,32,000 करोड़ कितना दिया था भाई? 1,32,000 करोड़। हाँ, 1,32,000। मोदी जी आए, मोदी जी ने 5 साल के अंदर बंगाल को 1,32,000 करोड़ से बढ़ाकर 4,24,800 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये 4,00,000 करोड़ रुपया आपके घर तक पहुंचा है क्या? पहुंचा है क्या? कहां गया? कौन ले गया? पहले तो सिंडिकेट वाले ले जाते थे, अब तो सिंडिकेट भी नहीं बची, पूरा का पूरा भतीजा के लोग खा गए, ममता के भतीजे के लोग। चिट फंड के अंदर 10,000 करोड़ रुपया गरीब लोगों का था। मित्रों, मैं आपको गारंटी, नरेंद्र मोदी सरकार आने दीजिए, एक चीट फंड करने वालों को 90 दिन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम सरकार की सरकार का है। इसे बम धमाके हो रहे हैं, बम धमाके करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जेल में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? जो जमुलिया डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? आप एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, बंगाल में बम धमाके करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मां माटी मानुष का नारा लेकर ममता दीदी आई थी, ये बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुनाई पड़ता था, आज बंगाल के अंदर बम धमाके सुनाई पड़ते। मित्रों, बंगाल की धरती ने पूरे भारत को संस्कृति का मार्गदर्शन किया, तो बंगाली जनता अब त्रस्त हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं विष्णु कुमार, मेरे भाई सौमित्र खान को चुनाव जिता दीजिए, सौमित्र खान को चुनाव जिता दीजिए, 23 सीटें जिता दीजिए। इन्होंने बंगाल को कंगाल बनाया है, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हैं। कंगाल बंगाल को सोनार बांग्ला में परिवर्तित करने का काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी, अभी अभी मुझे समाचार मिला, परसों मोदी जी की दो रैली
ममता दीदी ने दोनों रेडियो का परमिशन कैंसिल कर दिया। ममता दीदी क्या मानती हूं, इस तरह से आप आपके पराजय को रोक लोगी? आपका पराजय बंगाल के मतदाता के मन के अंदर सुनिश्चित हो चुका है, सुनिश्चित। आप अब पराजय से नहीं बच सकते। मुझे बताओ विष्णुपुर वालों, मोदी जी को रैली करने देनी चाहिए या नहीं करते? मोदी जी का अधिकार है या नहीं है बंगाल की जनता से बात करने का? मोदी जी फैली तूफान के अंदर बंगाल की जनता को मदद करना चाहते थे, 3 बार फोन किया, ममता दीदी लाइन पर नहीं आई। उनको डर है मोदी जी की मदद ले लेंगे तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाए। ममता दीदी तुम फोन उठाओ ना उठाओ, मदद लो ना लो, बंगाल की जनता के मन में नरेंद्र मोदी के लिए प्यार है, प्यार है। बंगाल की जनता मोदी जी के चुनने के लिए तैयार है। मित्रों मुझे बताओ, सौमित्र खान को जिले के अंदर घुसने नहीं दिया है, उसकी अनुपस्थिति में बहन सुजाता चुनाव लड़ रही है, बहन की मदद में आप सब भाई लोग आओगे क्या? जोर से बोलो, आओगे क्या? सारी माताएं दीदी आएगी क्या? कमर के निशान पर बटन दबाओगे क्या? सौमित्र खान को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, मिट्टी भुचमुखी पीछे और ममता को सुनाई पड़े ऐसे होंगे।